मुंबई में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोरदार बरसात के चलते ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी रही, वहीं इसका असर लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है। दादर, हिंदू माता, करी रोड, किम हॉस्पिटल, मुंबई एयरपोर्ट, बीएमसी के मुताबिक 24 घंटों में यहां बारिश से जुड़े 42 एक्सीडेंट सामने आए हैं। हालांकि इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 3 जगह दीवार गिरने की बात सामने आई है, वहीं 16 जगह पर शॉर्ट सर्किट और 23 जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को मुंबई में अलर्ट पर रखा गया है। 2 एडिशनल टीमों को पुणे से मुंबई भेजा गया है। वेदर डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, खासकर नॉर्दर्न कोंकण रीजन में। मैंने हॉटलाइन के ऊपर जो बीएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है उनसे भी बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि उनके पास वाटर लॉगिंग की कुछ कंप्लेंट्स है और विशेष रूप से कुछ झाड़ गिरने की कंप्लेंट्स उनके पास आई है जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं। साथ ही में मैंने जो मुंबई पुलिस है उससे भी हॉटलाइन से बात की है। करीब 25 जगह पर उनको ट्रैफिक जाम या वाटर लॉगिंग के कारण हुआ है, जैसे उनको ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। हमने लोगों को भी ये इतला दिया है कि लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घरों की ओर लोग जाए। मंत्रालय में भी हमने लोगों को ये सूचित किया है कि वो जल्दी जा सकते हैं। कई ऑफिसरों को भी ये कहा है कि वो जल्दी जा सकते हैं। और कुल मिलाकर इस परिस्थिति के ऊपर हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। अभी और भी वेदर अलर्ट जो आ रहे हैं उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है और उसके आधार पर लोगों को एडवाइजरीज जो है वो दी जाएगी और पूरी तरीके से